भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के नए मामले 2323 दर्ज किए गए हैं। एक दिन पहले 2364 नए कोरोना के सामने आए थे। इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,31,34,145 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। अब तक कुल 5,24,348 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 4,25,94,801 लोग रिकवर होने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,340 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। देश में सक्रिय मामले घटकर 14,996 पर आ गए हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% बना हुआ है। राज्यों की बात करें तो केरल में शुक्रवार को सबसे ज़्यादा 556 मामले सामने आए, जबकि यहां एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को 530 केस दर्ज किए गए। हालांकि राजधानी में इस दौरान कोरोना से किसी मरीज की जान नहीं गई। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 2,229 हैं। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को 311 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। यहां कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में अब 1,761 एक्टिव केस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 140 केस दर्ज किए गए, जबकि एक मरीज की कोरोना से जान गई। कोरोना के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। शुक्रवार तक देश भर में 1,92,12,96,720 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। बीते दिन देश में 15,32,383 वैक्सीन के टीके लगाए गए।